हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है रिएक्ट जेएस का पार्ट नंबर 14 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका गेट इनपुट बॉक्स की वैल्यू को कि किस तरीके से आप विदाउट फॉर्म भी इनपुट की वैल्यू को गेट कर सकते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर। तो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों होने वाला है इस वीडियो के अंदर। एंड जैसे कि गाइज मैंने आपको हर एक वीडियो में बताई, रिएक्ट जेएस टूटल की सीरीज चल रही है। अगर आपके कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। एंड आपको मेरे किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछ भी सकते हैं। एंड गाइज, अगर आपने अभी तक कोड फॉर एजुकेशन को सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं कराया तो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन मिलेंगे। और आपको फ्री सोर्स कोड चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट एंड गिटहब का भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं कि किस मेथड से हम ये चीज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपका टाइटल लिखा है गेट इनपुट बॉक्स वैल्यू इन रिएक्ट। ओके, तो यहाँ पे जो हमें मिलती है वैल्यू के लिए, तो सबसे पहले एक इवेंट मिलता है जिसे कहते हैं हम ऑन चेंज, जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर भी था। ओके, उसी ऑन चेंज इवेंट हैंडलर के थ्रू हम क्या करेंगे, इनपुट की जितनी भी वैल्यू होगी ना वो गेट करेंगे और प्रिंट करवा के देखेंगे रिएक्ट के अंदर कैसे होता है ये सब कुछ। तो यहाँ पे छोटा सा मैंने उसका थ्योरी का पार्ट रखा है। द ऑन चेंज इवेंट हैंडलर इज अ प्रॉप दैट यू कैन पास इनटू जेएसएक्स इनपुट एलिमेंट्स। दिस प्रॉप is provided by React so that your application can listen to user input in real time. When a onChange event occurs, the prop will call the function you passed as its parameter. तो इस वाली लाइन में मैंने समझाने की कोशिश करी है, जो आपका JSX होता है, जो हम इनपुट रखते हैं वहां पे हम रियल टाइम जो भी आपका यूजर फिल करने की कोशिश करेगा वो रियल टाइम हम गेट कर सकते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर, और हम उसी के अंदर पैरामीटर के थ्रू चीजें चला सकते हैं। कैसे? तो देखिए, सपोज एक फंक्शन है हमारा, ये नॉर्मल फंक्शन होता है जैसे जावास्क्रिप्ट में भी हम यूज करते थे। तो वहां पे मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर करा है, उस पर लिखा है मैंने उसका नाम आपका हैंडल चेंज। एक इवेंट मैंने यहाँ पे बना लिया आपका पैरामीटर। ओके, उस पैरामीटर को मैंने यहाँ पे करा है आपका इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अगर मैं केवल इवेंट को ही प्रिंट करवाता ना तो मेरे को सारे के सारे एलिमेंट के इवेंट मिल जाते। ओके, इट मींस कि जेएसएक्स के एलिमेंट के इवेंट मिल जाते मेरे को। टारगेट में मैं जो भी टारगेट करना चाहता हूं, जो भी मैं यूजर हूं, मानिए मैं जिस इनपुट पे हूं करंट, तो वो हो गया हमारा टारगेट। और वैल्यू जो भी वो करंट है, आपका इनपुट होगा, डिव होगा, जो भी, उसकी वैल्यू को गेट कर लेंगे। ओके, कॉल करवाने का तरीका आप देखेंगे, यहाँ पे आपको इनपुट लेना है, इनपुट पे आपको लिखना होगा ऑन चेंज, सी आपका यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए, एंड यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप अपने फंक्शन को कॉल करवा देंगे। तो ये है आपका सिंपल सा मेथड जिसके थ्रू हम यहाँ पे आपकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे करते हैं इसको प्रैक्टिकल करके। तो यहाँ चलते हैं अपने एडिटर पे। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे app.js की हमारी ये फाइल होने वाली है। ओके, और यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ओके, यही आपको आउटपुट दिखेगा यहाँ पे। ओके, कंसोल के अंदर हम करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे हम लेते हैं आपका, ओके, एक इनपुट लेते हैं पहले। इतनी चीज कर ली अभी हमने, करूंगा मैं सेव। एंड सेव करने के बाद में अगर मैं आउटपुट दिखाऊं इसका, तो आउटपुट यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से दिख भी रहा होगा। ओके, कि हमारा इनपुट आ भी चुका है। ओके, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ये, देखिए। ओके, इतना इनफ है। इसके बाद चलते हैं वापस यहाँ पे। अब मेरे को क्या करना है, जो भी मैं इस इनपुट में लिखूं वो मेरे को यहाँ पे गेट करना है। ओके, अब गेट करने के लिए हमें करना क्या होगा, ऑन चेंज बनाना होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक ऑन चेंज का फंक्शन बनाएंगे हम, कर्ली ब्रेसेस लेंगे, और जो मैंने अभी आपको नाम बताया था हैंडल चेंज वही ले लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए मैंने हैंडल चेंज दे दिया, ठीक है, मैंने हैंडल चेंज यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अब इसके बाद में हमें ऐसा ही यहाँ पे एक फंक्शन भी डिक्लेयर करना होगा, कहाँ पे, यहाँ पे रिटर्न से पहले। ओके, यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट लेंगे आप, हैंडल चेंज, एरो फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं मैं, इवेंट लेंगे यहाँ पे, ये देखिए। ओके, अगर मैं अभी कंसोल करवा दूं केवल इवेंट को तो हमें क्या मिलेगा, अगर मैं इतनी चीज को ही अभी प्रिंट करवाऊं। देखिए मैंने यहाँ फंक्शन डिक्लेयर करा, फंक्शन को ऑन चेंज पे क्लिक करवा रखा है। यहाँ चलते हैं, यहाँ पे आने के बाद में जैसे ही मैं यहाँ पे मानिए मैं अपना नाम लिखता हूँ, तो देखिए जितनी बार भी यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ उतनी बार मेरा यहाँ पे फंक्शन वो कॉल हो रहा है। इट मीन्स कि ऑन चेंज पे कंटिन्यूसली वो फंक्शन हिट कर रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पे किसी भी एक को ओपन करके आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे कितनी सारे हमें यहाँ पे फंक्शंस के मेथड्स मिल जाते हैं, उनमें से एक हम यहाँ पे टारगेट को लेने वाले हैं, ये टारगेट और ये वैल्यू। ओके, इसी को हम यूज करके मैं अभी आपको चीजें दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। अब इसके बाद में अगर मैं यहाँ पे टारगेट ले लेता तो देखिए डॉट टारगेट अगर मैं कर दूं, टारगेट लिखा मैंने, करूंगा मैं सेव। एंड सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ पे चलूं और एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है, रिफ्रेश करके यहाँ पे वापस, ये देखिए अब आपको दिख रहा होगा कि हमने एलिमेंट जो भी हमारा HTML का एलिमेंट था ना वही गेट कर लिया। ओके, तो देख रहे हैं कितना इजी है गाइस यहाँ पे किसी भी चीज को पिक करना आपके रिएक्ट के अंदर। अब इसके बाद में आपको इसकी वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू के लिए आपको क्या करना होगा, लास्ट में आप कर देंगे यहाँ पे डॉट वैल्यू। ओके,
मैं इसको क्लोज कर देता हूं, यहां पे करता हूं वैल्यू, करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां आएंगे, एक बार और रिफ्रेश करेंगे, ओके। और यहां पे अगर मैं लिखूं, ये देखिए जितनी बार मैं यहां पे लिख रहा हूं और जितनी बार देखिए मैं रिमूव भी कर रहा हूं, उतनी बार यहां पे फंक्शन कॉल हो रहा है मेरा। देखिए जैसे ही मैंने एक कैरेक्टर लिखा बी एच ए एस के ए आर, यहां तक गया, और जैसे ही मैंने रिमूव करा उसको तो सेम उसी पैटर्न में उसने रिमूव भी करा। तो ये है आपका ऑन चेंज का, कि जिसके थ्रू हम यहां पे वैल्यू को गेट कर सकते हैं। अब मानिए कि आपको यहां पे इसकी वैल्यू को शो करवाना होगा आपके इस HTML, इट मींस कि इस React के पेज पे। तो कैसे आप इसको शो करवा सकते हैं? तो सबसे पहले हमें यहां पे क्या करना होगा, हम React को इंपोर्ट करवाएंगे, कॉमा लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस, मैंने आपको यूज स्टेट सिखाया था, ओके, उसी के हेल्प से हम यहां पे करने वाले हैं। और ये चीज मैंने अपने लेटेस्ट प्रोजेक्ट में भी आपको सिखाई है गाइस, अगर आपने लेटेस्ट प्रोजेक्ट अभी तक नहीं देखा तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो भी देख सकते हैं यहाँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉन्स्ट लेता हूँ, ओके, यहाँ पे इनपुट वैल्यू, पहली पैरामीटर हो गया हमारा ये, दूसरा हो जाएगा हमारा इनपुट सेट वैल्यू, ओके। यूज स्टेट लेंगे हम यहाँ पे, इसको कर देंगे स्ट्रिंग में एम्प्टी, ओके। ये देखिए पहली चीज आ गई हमारी यहाँ पे। अब क्या करना होगा हमें, जो भी हमारे यहाँ पे फंक्शन हिट हो रहा है, जो भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो हमें रियल टाइम में यहाँ पे शो करना है। तो सबसे पहले आपको इसको सेट करवाना होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे इसको कॉपी, ओके। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे इसको मैं कॉल करवाऊंगा इवेंट डॉट टारगेट वैल्यू। जैसे ही आपका ये फंक्शन हिट होगा यहाँ पे, ये क्या करेगा, जो भी करंट वैल्यू होगी वो सेट हो जाएगी यहाँ पे, इट मीन्स की स्टेट के अंदर। अब जब स्टेट के अंदर वो वैल्यू सेट हो जाएगी तो हमारे को इनपुट वैल्यू जो सेकंड पैरामीटर है हमारा, उसमें हमें वैल्यू देखने को मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, इस H1 को करूंगा मैं रिमूव, ओके, यहां कर्ली ब्रेसेस लूंगा मैं, करूंगा प्रिंट, करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद में वापस चलेंगे हम यहां पे अब, ओके। अभी आप देखेंगे कि हमारे पास में H1 है ही नहीं, ओके। अब यहां पे हमें ये H1 देखने को कैसे मिलेगा, यहां पे जैसे मैं करूंगा, देखिए मैं अपना नाम लिख रहा हूं, मेरा नाम आ चुका है वहां पे भास्कर, ओके। अब ये डायनेमिक आया है, जितनी बार भी मैं यहां पे लिखने की कोशिश करूंगा, ये देखिए उतनी बार रियल टाइम में ये चीज यहां पे प्रिंट हो रही है, और जितनी बार मैं यहां से रिमूव करने की कोशिश करूंगा, ये देखिए, ओके। तो आप देख रहे हैं कितने इजी तरीके से आप चीजें कर सकते हैं। अगर मानिए कि बिना कंडीशन के, मानिए जैसे भाई मैंने क्या करा, मैंने यहां पे तो प्रिंट करवा दिया, आपका ऑन चेंज पे हो रहा है ये चीज, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इसके लिए आपके पास में कोई बटन होता बिना फॉर्म के, क्योंकि अभी आप देखेंगे मैंने डायरेक्ट लिया इनपुट, ऐसे ही आपके पास में कोई बटन भी हो सकता है, आप चाहते हैं उस बटन के केस में आपको ये चीज दिखाई दे, ओके, उससे पहले दिखाई ना दे, तो आप क्या करेंगे, यहां पे एक बटन लेंगे, ठीक है, ऑन क्लिक, ये सारी चीजें मैंने आपको सिखा रखी है पिछली क्लासेस के अंदर, ओके। एक एरो फंक्शन लूंगा मैं यहां पे, और इस एरो फंक्शन में हम अपनी वैल्यू को डालेंगे यहां पे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं सबमिट, इतनी चीज अभी हमने यहां पे बना ली। अब पहले क्या करते हैं, एक और यहां पे क्या करेंगे, हम कॉन्स्ट लेंगे, ओके। कॉन्स्ट लेने के बाद में यहां पे डिफाइन करना होगा, क्यों, क्योंकि हम क्लिक की फंक्शनैलिटी के लिए बना रहे हैं। तो यहां पे मैं लूंगा इनपुट वैल्यू शो, एक हो जाएगा शो करने के लिए, और एक होगा आपका यहां पे सेट करने के लिए, इनपुट वैल्यू हाइड, ओके। और यहां पे यूज स्टेट होगा आपका, यहां पे स्ट्रिंग नहीं होगा, अब ये आपका बुलियन के केस में फॉल्स रहेगा बाय डिफॉल्ट, ओके। इट मींस कि यहां पे हमने क्या करा कि उसकी वैल्यू को फॉल्स दे दिया बाय डिफॉल्ट पहले। अब क्या करेंगे हम इस केस में हमारे पास में मिलता है आपका इनपुट शो वैल्यू, ओके। अगर ये होगा तभी जाके जो भी हम टाइप कर रहे हैं आपका इनपुट के अंदर वो मिलना चाहिए। तो अब देखिए इसको कंडीशन वाइज कैसे बनाते हैं हम यहां पे, मैं इसको कमेंट कर देता हूं, ओके, जिससे कि ये आपको विजिबल रहे। मैं यहां पे लेता हूं आपका सेकंड कर्ली ब्रेसेस, इसके बाद में जो अभी हमने नया बनाया पैरामीटर वो लेंगे हम, क्वेश्चन मार्क लेंगे, और जो इससे पहले पैरामीटर बनाया था ना इनपुट वैल्यू उसको लेंगे, और बाकी अदरवाइज ही एम्प्टी रहेगा। देखिए सिंपल सा टर्निंग ऑपरेटर में हमने एक लाइन में इस चीज की कंडीशन बना ली यहाँ पे, ओके। अब ये कंडीशन बनाई है कहां से, यहाँ पे हमने एक और यूज स्टेट लिया उसमें से। अब इस चीज के लिए हमें करना क्या होगा, हमें सबमिट पे फिर क्लिक भी तो करवाना होगा, इट मीन्स कि ट्रू भी तो करवाना होगा। तो यहाँ पे जो हम एरो फंक्शन बना रहे थे इसी के अंदर हम लेंगे आपका इनपुट, इसमें हम क्या करेंगे आपका ट्रू कर देंगे, ये देखिए ये हो गया ट्रू, और यहाँ पे जो हमने ये लिया है और यहाँ पे ये देखिए, ठीक है, ओके। सेट की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई है इसीलिए वो मैच नहीं कर रहे हैं, ये देखिए सेट, ठीक है। नाम तो आप कुछ भी ले सकते हैं, बट मैंने आपको इसके बारे में ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बताया था क्यों हम इस तरीके के नाम को प्रिफर करते हैं, ओके।
तो यहां पे हमने इस चीज को रख लिया। अभी आपको दिख रहा होगा कंडीशन भी बना ली हमने H1 के ऊपर, जब तक हम सबमिट नहीं करेंगे जब तक वो शो नहीं होगा। इससे पहले शो हो रहा था ऑन चेंज पे, यहां करूंगा मैं सेव। सेव करने के बाद में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां चलेंगे, ओके यहां पे आप देखेंगे अभी एम्प्टी है, ओके। बट जैसे मैं यहां पे लिखूंगा वो शो होना चाहिए, देखिए बट शो नहीं हो रहा। बट कंसोल में आप देखेंगे कंसोल में वैल्यू आ चुकी है, ऑन चेंज पे फंक्शन चल रहा है, बट यहां पे शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने सबमिट की यहां पे कंडीशन बनाई है। अब जैसे मैं सबमिट करूंगा, सबमिट करने के तुरंत बाद आप देखेंगे, देखिए आपका यहां पे डेटा शो हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से भी आप यहां पे इस चीज को बना सकते हैं। देखिए मैं यहां पे इसको रिमूव करूंगा तो देखिए रिमूव भी हो जाएगा आपका, क्योंकि वहां पे हमने इस चीज को बना रखा है। अब यहां पे आप चाहते हैं कि जैसे ही आपका ऑन चेंज हो, ऑन चेंज चल रहा है ना अभी, तो वो आपका रिमूव कर रहा है, तो आप उसको क्या चाहते हैं कि रिमूव करना। तो देखिए मैं रिमूव करना चाहूंगा, रिमूव सबमिट इनपुट वैल्यू हाइड है ना, जो आपका यहां पे फॉल्स हो जाएगा। ये देखिए अब मैंने ये एक जो कंडीशन बनाई अभी, जो हमने स्टेट बनाया अभी, उसी को मैंने क्या करा, जो मेरा ऑन चेंज का फंक्शन है ना, पहले तो वो ट्रू कर दे जब ऑन चेंज पे चल रहा है तो, ठीक है वहां तक तो सही है, और फिर उसके बाद में सबमिट वाली जो हमारी है जहां पे हमने फॉल्स रखा है उसे, तो वहां पे उसको दोबारा वो फॉल्स कर दे जैसे ही वो चले। देखिए मैं इसको यहां पे करता हूं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे, यहां पे आएंगे तो देखिए सबसे पहले अभी आपको सबसे पहला एग्जांपल समझिए। आपको जब मैंने दिया था तो ऑन चेंज पे वैल्यू मिल रही थी, दिख रही थी, बट अभी नहीं दिख रही। आप यहां पे जब तक सबमिट पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपकी वैल्यू नहीं शो करेगी। अब तीसरा एग्जांपल मैंने क्या करा यहां पे कि आपका मैंने फॉल्स कर दिया सेम ऑन चेंज के अंदर। देखिए जैसे ही मैंने यहां पे ऑन चेंज करा वो आपका हाइड हो गया यहां पे, ओके। तो ये सारी की सारी चीजें आप कर सकते हैं। ये है आपका डायरेक्ट मेथड कि जिसके थ्रू आप यहां पे बिना फॉर्म के भी आप इनपुट की वैल्यू को सबमिट करवा सकते हैं थ्रू आपकी स्टेट, ओके। देखा आपने, अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है आपका तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ वो एक बार देख लेते हैं। सो गाइस नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका हाइड शो एंड टॉगल के बारे में, और उससे आने वाली वीडियोज में हम देखेंगे आपके फॉर्म्स के साथ में इन सारी चीजों को सबमिट कैसे करते हैं। तो बहुत कुछ है आने वाली वीडियोज में, पूरी सीरीज को कंटिन्यूसली देखना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब क्लिक टिल देन, बाय गाइस।